हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ा था। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, सुपीरियर मॉड्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के मेरिट्स क्या होते हैं या एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद मेरिट्स ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मेरिट्स ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। देखिए, अब इसके जो एडवांटेजेस हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के, या जो मेरिट्स हैं, वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं शार्पली और फास्टली। तो पहला एडवांटेज क्या है कि मॉड्यूलरिटी गिव्स डायरेक्ट मैनेजमेंट ओवर सॉफ्टवेयर। यानी कि मॉड्यूलरिटी से हमको ये फ़ायदा रहता है कि हम सॉफ्टवेयर के ऊपर डायरेक्ट मैनेजमेंट अपना कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैनेजमेंट ओवर सॉफ्टवेयर, पहला एडवांटेज तो ये है। सेकंड क्या है कि टेस्टिंग एंड डिबगिंग इज ईजियर ऑफ मॉड्यूल्स। तो चूंकि आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग बता चुका हूँ मैं पिछले उसमें लेक्चर में, तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है बड़ा प्रोग्राम, तो उसकी टेस्टिंग और एंड डिबगिंग, एरर्स को दूर करना, वो भी कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। ठीक। थर्ड क्या है कि इफ डिज़ाइन मेथड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर डिकम्पोजिंग प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स, इट विल रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ओवरऑल प्रोग्राम। तो वही अभी जो चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि कोई बड़ा प्रोग्राम जो है वो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में छोटे छोटे कई प्रोग्राम्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाता है, तो उससे जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, ये जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है वो सिंपल मॉड्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको डिबग करना, उनका सॉल्यूशन निकालना, यानी यू कैन से कि इफेक्टिव सॉल्यूशन कैन बी ऑब्टेन फॉर मॉड्यूल्स। क्लियर। तो ये हो गया इसका तीसरा एडवांटेज। नेक्स्ट आप आ जाइए कि मॉड्यूलर अंडरस्टैंडिंग यील्ड्स टू बेटर डिज़ाइन एंड ऑल्सो इट विल बी ईजियर टू बिल्ड एंड ईजियर टू चेंज। तो मॉड्यूल्स में क्या होता है कि हमारी डिज़ाइन डिस्को डिज़ाइन करना भी ईजियर हो जाता है, और अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो वो भी हमें काफ़ी आसान पड़ता है, मॉडिफिकेशन भी ईजी हो जाता है। तो ये इसका एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है कि स्मॉल चेंजेस इन मॉड्यूल्स इफेक्ट ओनली कंसर्न मॉड्यूल। अगर मान लीजिए किसी मॉड्यूल में हम कुछ चेंज करते हैं, अगर कोई स्मॉल चेंज हम करते हैं किसी मॉड्यूल में, तो वो पूरे प्रोग्राम को नहीं इफेक्ट करता है, वो केवल, जैसे मान लीजिए इस प्रोग्राम को हमने इन चार मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है, अब इस मॉड्यूल्स की कोडिंग में हमने कुछ चेंज किया, कोई स्मॉल चेंज किया, तो फिर इन मॉड्यूल्स को वो इफेक्ट नहीं करता है। तो स्मॉल चेंज अगर हम किसी मॉड्यूल में करते हैं तो एंटायर प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक। नेक्स्ट अब आ जाइए कि इट इज़ ईजियर एंड चीपर टू चेंज फीचर्स, ऐड फीचर्स ऑफ करेक्ट एरर। मतलब इसमें ईजियर भी पड़ता है और चीपर भी पड़ता है। अगर किसी भी टाइप के आप फीचर्स को, इसके फीचर्स को आप चेंज कर रहे हैं तो ठीक, ये फ़ायदा होता है। फीचर्स को चेंज कर रहे हैं मतलब, से फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमने स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनाने का प्रोग्राम बनाया, अब उसमें हमने इनिशियली जो है 5 सब्जेक्ट्स को लिया, उनका टोटल किया, परसेंटेज किया और मार्कशीट प्रिंट कर लिया, मतलब निकाल लिया, उसको बना लिया। अब हमने कहा कि नहीं भाई, 5 सब्जेक्ट की जगह स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट और ऐड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, दैट इज़ कॉल्ड ईजियर, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी तो ऑफकोर्स दैट इज चीपर ऑल्सो। ठीक। नेक्स्ट आप आ जाइए कि मोर डिफिकल्ट मॉड्यूल्स कैन बी गिवेन टू स्किल्ड प्रोग्रामर्स एंड ईजी मॉड्यूल्स टू न्यू प्रोग्रामर। यस। अब जब आपने मेन प्रोग्राम को आपने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आपको पता है कि ये इस पार्ट में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इस पार्ट में कम कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ये पार्ट बहुत आसान है, तो उसी हिसाब से ये आप एक्सपर्ट प्रोग्राम को, प्रोग्रामर को दे देंगे,
उससे कम इसमें है तो ये आप मीडियम लेवल के प्रोग्रामर को दे देंगे या उससे कंपेरेटिवली लेस एक्सपीरियंस प्रोग्रामर को दे देंगे, और ये सबसे इजी है तो ये आप न्यू प्रोग्रामर को भी दे सकते हैं कि हाँ इसको आप डेवलप कीजिए। तो ये एडवांटेज रहता है डेवलपर के पास कि वो अपने हिसाब से और जो उसके पास स्किल्ड रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो मॉड्यूल्स को डिवाइड कर सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट एडवांटेज जो भी है इसका वो ये है कि स्टैंडर्ड मॉड्यूल्स कैन बी रीयूज्ड इन अदर प्रोग्राम। तो जो मॉड्यूल्स आपने डेवलप किए हैं किसी एक प्रोग्राम के लिए, स्टैंडर्ड हमने इसलिए बोला है कि उसमें एरर वगैरह डिबगिंग वगैरह करके सारी सब एरर फ्री कर दिया हमने उसको, कोई बग नो बग इज देयर। तो जरूरी नहीं है कि अगर ये मॉड्यूल्स डेवलप किए गए हैं प्रोग्राम P1 के लिए, और तो इन मॉड्यूल्स को हम प्रोग्राम P2 में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि सिंस ईच मॉड्यूल कैन बी डिजाइन सेपरेटली, क्योंकि हर मॉड्यूल को हम अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, जब आप अलग अलग डिजाइन कर सकते हैं तो हमारा टाइम कम लगता है। भाई मान लीजिए हमें से 3 मॉड्यूल डिजाइन करने, हमने तीनों मॉड्यूल एक एक बंदे को दे दिया, एक दूसरे को, एक तीसरे को, तीनों अपना एक साथ में काम कर रहे हैं तो टाइम बचेगा ना। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। और नेक्स्ट जो मेरिट्स हैं, नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो ये है कि इन सारे एडवांटेजेस की वजह से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या करता है, इट एनहेंस रीडेबिलिटी, मतलब प्रोग्राम को पढ़ना रीडेबिलिटी आसान रहता है। वो इतने सिस्टमेटिक और मॉड्यूलर प्रोग्राम में कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम डेवलप किया जाता है, उसकी कोडिंग की जाती है, उस प्रोग्राम को लिखा जाता है कि उसको पढ़ने में समस्या नहीं आती है, तो इससे इसकी रीडेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो ये देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ मेरिट है जो हमने आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में बता दिया। अगर कुछ इसमें डाउट होगा या कुछ और पूछना होगा तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए जहाँ एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी होगा, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ डिमेरिट्स की, डिमेरिट्स ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, डिमेरिट्स ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है कि पहला जो डिसएडवांटेज है या डिमेरिट है वो ये है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में आपको इट रिक्वायर मोर मेमोरी स्पेस, पहली चीज, एंड मोर रन टाइम। ठीक है, पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि मॉड्यूलर प्रोग्राम बनाने के लिए, किसी प्रोग्राम को मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में बनाने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा वो एग्जीक्यूशन के टाइम को ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक, अब आ जाइए सेकेंड डिसएडवांटेज में। सेकेंड में क्या है कि ए फ्यू फॉर्मल डिज़ाइन टेक्निक्स आर डिफिकल्ट टू लर्न पर्टिकुलरली फॉर न्यू प्रोग्रामर। अब देखिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के हिसाब से जो फॉर्मल डिज़ाइन टेक्निक है, फॉर्मल डिज़ाइन टेक्निक्स, ठीक है, ये नए प्रोग्रामर्स को लर्न करना पड़ता है। तो पहली बात तो वो इस चीज़ को हेजिटेट करते हैं, अवॉइड करते हैं, और दूसरा उनको लर्न करना दिक्कत वाला काम भी है। ठीक, तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मॉड्यूल, जब कई मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं, मे नॉट बी एन ईजी टास्क ऑलवेज। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 4 मॉड्यूल 4 अलग अलग लोगों ने डेवलप किए हैं, ठीक, उन सबको आपस में इंटीग्रेट करना, ठीक है, ताकि वो एज ए सिंगल बॉडी की तरह काम करें, वो ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ही हाईली स्किल्ड प्रोग्रामर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये इसका एक डिमेरिट है या डिसएडवांटेज है। और एक जो फोर्थ प्रॉब्लम, इसको यही लिख लेते हैं कि फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में डॉक्यूमेंटेशन करना, डॉक्यूमेंटेशन इज डिफिकल्ट।
मॉड्यूलर प्रोग्राम को, अब जैसे चार लोगों ने अलग अलग अपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं, इसने किसी स्टाइल से कोडिंग की हुई है, इसने किसी स्टाइल से कोडिंग की हुई है, इसने कैसे, उसको समझ के और पूरे प्रोग्राम का एक डॉक्यूमेंटेशन करना वो डिफिकल्ट काम होता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के। ये इट नीड्स मोर स्पोरी मोर मेमोरी स्पेयर एंड मोर रन टाइम। फॉर्मल डिज़ाइन टेक्निक सीखने में प्रॉब्लम होती है नए प्रोग्रामर्स को। मॉड्यूल्स को इंटीग्रेशन करने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम है, और फिर इस प्रोग्राम का डॉक्यूमेंटेशन करना, उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये हमने कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस किए आपके साथ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के। अब इसके साथ एक चीज़ और हम आपको बता दें, ये तो हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये आपको बता दिया। अब हम आपसे पूछे कि मॉड्यूल मतलब कि इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है, ठीक है? व्हाट डज इट मीन बाय इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी? मतलब हम कब कहेंगे कि ये प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया मॉड्यूलर प्रोग्राम बना है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मीन्स टू अचीव, मतलब बढ़िया मॉड्यूलर प्रोग्राम में क्या चीजें होनी चाहिए। इफेक्टिव मॉड्यूलरिटी या मीन्स टू अचीव, एफिशिएंट मॉड्यूलर प्रोग्राम में क्या फीचर्स होने चाहिए। तो पहला क्या है, पहला ये है कि ट्राई टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड डुप्लीकेशन। पहली चीज, ट्राई टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड डुप्लीकेशन। सेकेंड क्या है कि इवेलुएट इंटरफेसेस टू इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, मतलब इंटरफेस जहाँ पे भी प्रोग्राम इंटरेक्ट कर रहा है किसी दूसरे से तो उसको इवेलुएट करना चाहिए और कंसिस्टेंसी को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है कि डिफाइन मॉड्यूल्स हुज फंक्शन इज प्रेडिक्टेबल, ऐसे मॉड्यूल डिफाइन करना चाहिए जिसकी फंक्शनिंग प्रेडिक्टेबल हो, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है, अवॉइड ओवरले रिस्ट्रिक्टिव मॉड्यूल्स, ठीक है। जो रिस्ट्रिक्टिव मॉड्यूल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, मोर इम्फेसिस ऑन कंट्रोल्ड, जो कंट्रोल्ड एंटिटी मॉड्यूल है, मतलब ऐसे मॉड्यूल जिनमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड एंटिटीज ही अलाउ हुआ है। कंट्रोल्ड एंटिटी मॉड्यूल्स को ज़्यादा इम्फेसाइज करना चाहिए, ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए जो हमारे मॉड्यूल्स हों वो कंट्रोल्ड एंटिटी वाले हों। प्लस पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट, पोर्टेबिलिटी इस पे भी इम्फेसाइज करना चाहिए कि प्रोग्राम की पोर्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि उसी प्रोग्राम को आपने एक मशीन पर रन कराया, वो दूसरी पर रन कराया, तीसरे, मतलब कि इट शुड बी कंपेटेबल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स और मशीन्स, जो भी कर लीजिए, ठीक। और नेक्स्ट आपका क्या है कि इवेलुएट फर्स्ट इटरेशन ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इट इवेलुएट फर्स्ट इटरेशन, इटरेशन माने आपको पता होगा रिपीटेशन, इट इवेलुएट फर्स्ट इटरेशन ऑफ प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ठीक। तो अगर ये सारे फीचर्स किसी मॉड्यूलर प्रोग्राम में हैं, या कोशिश ये करनी चाहिए कि इनमें से मैक्सिमम फीचर्स हमारे मॉड्यूलर प्रोग्राम में हो, देन वी कैन से दैट वी हैव डेवलप एन इफेक्टिव मॉड्यूलर प्रोग्राम। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और एक अच्छे मॉड्यूलर प्रोग्राम में क्या फीचर होने चाहिए वो आपको डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट टाइम में कमेंट कीजिए, मैं उस पर डेफिनेटली लेक्चर बनाऊंगा या उसमें आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाएगी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।